शेषा, 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 नागमणि, नागमणि, नागमणि कहाँ चली गई? मतलब शीशा ने? नहीं, शीशा, शीशा! मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है, ऋतिक को बचाना है। तू तो गजगामिनी है, दामिनी है, तो जैसी बिजली के होते हुए भी तेरे घर से शेषा नागमणि लेके गई कैसे? यही तो पूछने मैं आपके पास आई हूँ, वरना क्यों आती? अब आप मुझे बताइए, मेरे सिवा वो नागमणि कोई कैसे छू सकता है? उस काली नागिन के पास इतनी शक्ति कैसे आए? जो नागमणि मैं नहीं छू पाई, वो नागमणि वो कैसे ले गई? नागमणि गई तो गई, पर आप डर रही हो? कहीं कहीं वो मुझे मुझे न मार दे। संकी है वो काली नागिन। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ऋतिक को खत्म कर दिया है तो एक ही फूंक में वो मुझे मार देगी। अरे नहीं, तुझे नहीं, ऋतिक को उड़ाने की, उसे पाने की चक्कर में होगी। तुझे नहीं लगता? गुरु माँ, मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ, उल्टा आप मुझसे सवाल पूछ रही है। बहुत गुरूर है ना, बहुत गुरूर है ना आपको अपनी शक्तियों पे? ठीक है, ठीक है, पता लगा कर बताइए कि वो शेषा कहाँ है। जो नागमणि मेरे हाथ में थी वो कैसे चली गई? मुझे वो नागमणि चाहिए गुरबा, चाहिए, चाहिए, मतलब चाहिए, चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावी। हे शिवजी, आज मेरे प्यार का इम्तिहान है। अगर मैंने सच्चे मन से ऋतिक को चाहा है, अगर मैंने पूरी सच्चाई से आपको अपना इष्ट देव माना है, तो आज मुझे मेरे सभी कर्मों का फल चाहिए। मेरे पति की जिंदगी बचाइए शिवजी, ऋतिक की जान बचाइए। ऋतिक, ऋतिक आंखें खोलो ऋतिक।
ऋतिक मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। ऋतिक मुझे माफ कर दो। ऋतिक मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई कि मैं एक नागिन हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुमने कई बार कोशिश की मुझे बताने की मेरे मॉम डैड की सच्चाई, पर मैंने ही तुम पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। कैसे? और तुम शिवन्या, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ शिवन्या? मौत क्यों नहीं आई मुझे? उसे मारना चाह जिसने हर पल मुझे जिंदगी दी। सबसे ज्यादा प्यारी है जब उस मां ने मुझ पे वार किया तो मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा। सोचा कि अगर हमें जिंदगी ना मिला सके तो शायद मौत मिला दे। आज के बाद ऐसी बातें फिर कभी मत करना। मेरी जिंदगी तुमसे है ऋतिक, और मेरी सिर्फ तुमसे। हे शिव जी, आपने ऋतिक को बचा के मुझे नई जिंदगी दी है। जानती हूँ एक इंसान और नागिन का मिलन कभी नहीं हो सकता, पर मैं मिलूंगी तो ऋतिक से, मिटूंगी तो ऋतिक के लिए। अब मैं समझा कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती थी। प्यार तो तुम भी करती थी मुझसे, चाहती तो मेरे प्यार के बदले में मुझे प्यार देके पा लेती, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है शिवन्या। अब एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मेरी जान भी जाती है तुझे, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं ऋतिक, मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारा अपना, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा, वो यही है। बाबा? हाँ, चलो चलो मैं अभी तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। चलो
यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं। आज तक मैंने आपको सिर्फ सपनों में देखा था। और सपने में जो बच्चा देखा था तो वो मैं था। तुम सही थी शिवन्या, तू वस्तुनी। इन हाथों में आज भी तेरा बचपन है, तरस गई थी ये बाहें तुझे छूने को, तुझे पाने को, तुझे प्यार से सहलाने को। इतने साल तो मुझे पता भी नहीं कि तू है कि नहीं, उस यामिनी ने तुझे जिंदा रखा भी है कि नहीं। फिर भी इतने साल हर घड़ी हर पल तुझे याद किए, तेरा रास्ता देखा, तेरी आस लगा, तेरे लिए दुआ मांगी और दुआओं में तुझे मांगा। और इतने साल तक मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे पिता। फूटी जिंदगी, झूठे रिश्ते निभाता रहा। जिसे मां समझा, वो औरत किसी की मां कहलाने के लायक नहीं है, ना किसी की पत्नी और ना ही किसी की बहन। उसने तेरी मां को मार दिया, शिवन्या के मां बाबा को मार दिया, सिर्फ नागमणि के लिए। आज अगर शिवन्या सही वक्त पर नागमणि ना लाती तो आज मैं तुझे भी खो देता बेटा। तूने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरा हर जन्म तुझ पे कुर्बान। आज तक मैं सोचता था एक इंसान और एक नागिन का साथ कभी नहीं हो सकता, मैं गलत था बेटा। मेरे ऋतिक के लिए तुमसे अच्छी साथी और कोई हो ही नहीं सकती। बाबा, इस मणि के रखवाले आप हैं, ये मणि आपकी धरोहर है, इसे संभालिए। नहीं बेटा, ये मणि शिव की धरोहर है और आज से इस नागमणि की रखवाली तुम दोनों करोगे। इसे यामिनी से भी बचाओगे और महिष्मती से भी। महिष्मती? हाँ, उन मधुमक्खियों ने मुझ पर भी वार किया था जब मैं यहां आ रही थी। उनका वार उस दीवार को ना तोड़ पाए भोलेनाथ। बाबा, किसकी बात कर रहे हैं? महिष्मती। बाबा, हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना चाहिए, गुरुदेव शेषा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। शेषा? शेषा कौन है? वो मेरी मासी की बेटी, वो दूसरी नागिन। पर उसे तो गुरु माँ ने मार दिया था। वो सब एक दिखावा था, गुरु माँ ढोंगी है। नागमणि पाने के लिए गुरुमा और यामिनी की चाल थी, लालच देकर उन्होंने शेषा को भी मुझसे दूर कर दिया। अपने जब धोखा देते हैं तो कैसा दर्द होता है ये मैं जानता। चलो शिवन्या,
हे शिव जी, गुरुदेव और संग्राम सिंह जी ने शिवन्या को बचा तो लिया होगा ना? अगर शेषा अपने असली रूप में आ गई तो कयामत आ जाएगी। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। माफ करना शेषा, इस सब के लिए जो मैं करने जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे खिलाफ चली गई हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने इष्ट शिव के खिलाफ चली गई हो। ओ नमः शिवाय। कैसे गुरु है आप? आपने मुझे मारने की कोशिश की, आप जिंदा कैसे रहेंगे? तुम गलत राह पर चल पड़ी हो शेषा, तुमने अपना ईमान और भगवान खो दिया है, तुम सबके लिए खतरा बन गई हो। मैं तुम्हें किसी की जान देने नहीं दूंगा, चाहे मेरी अपनी जान चली जाए। ओम शिव शिव शिवाय नमः, ओम शिव शिव शिवाय नमः, ओम शिव 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 शिवाय नमः। आप मुझे नहीं मार सकते गुरुदेव, अब आपकी सिद्धियां मंद हो गई है और मेरी शक्तियां बुलंद। देखिए आसमान को, सूरज ढल चुका है गुरुदेव। ऋतिक, हमें जल्दी चलना होगा, सूरज ढल रहा है। मैं आपको कैसे मार दूं? आप मेरे बाबा जैसे हो, आपको कैसे मार दूं मैं? नहीं मार सकती मैं आपको, नहीं मार सकती। शेषा, शेषा आप भी वक्त है बेटा, भगवान शिव की शरण में आ जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और मैं खुद को माफ कैसे कर दूं? आप मेरे बाबा है, आप मेरी जिंदगी है, पर ऋतिक, ऋतिक मेरी दुनिया है गुरुदेव, पूरी दुनिया, और उस दुनिया को पाने के लिए आप जैसी हजारों जान कुर्बान। ओम नमः शिवाय, ओम।
मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मैं नागमणि और ऋतिक को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, कुछ भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, शेषा ये तुमने क्या कर दिया? गुरुदेव हमारे पिता समान थे, तुमने उनकी जान ले ली, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हे शिव जी, मुझे शक्ति दो। आज तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, मेरे मां बाबा के कातिलों से इंतकाम। पर आज आज मुझे अपने गुरुदेव की मौत का भी बदला लेना है, वो भी मेरी अपनी बहन से। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाना होगा शेषा। शेषा, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो शिवान्या, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। बेटा, शेषा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर वो अपने पिता समान गुरु को मार सकती है तो किसी को भी मार सकती है। जो भी करना संभल के करना। मैं शिवान्या को कुछ नहीं होने दूंगा बाबा। अब ये इंतकाम हम दोनों का है। शेषा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। आज तक जो खेल वो और यामिनी हमारे साथ खेलते आए हैं, अब वही खेल हम उन दोनों के साथ खेलेंगे। दुश्मन को उसी के वार से, उसी के हथियार से मारेंगे। गुरुमा, इतनी देर क्यों लगा रही हैं आप? मुझे शेषा चाहिए अभी और इसी वक्त। वो काली नागिन जहां छिपी है वहां से लेकर आ। जा, जा। बाज से बच के कहां जाएगी?
अभी आ जाएगी तेरी काली नागिन। ये बास तो गुरु माँ के लगते हैं। ये यहाँ यामिनी, बाज ले आया है उसे। आजा, आजा। हे गुरु घंटाल मां, बाज क्यों छोड़े तूने? देख तेरे बाज ने क्या हाल बना दिया है मेरा। वही नहीं ना, इसलिए बुलाना पड़ा। ये कौन सा तरीका है बुलाने का? नहीं तो क्या तेरी आरती उतार के ले आते। अरे तूने जो कांड की ना वो क्या किया है मैंने? अच्छा ज्यादा भोली मत बन, चल बता बता नागमणि कहाँ है? नागमणि एक बता नागमणि कहाँ है? नहीं बताएगी तू? ठीक है चल अब बता बता वो नागमणि कहाँ है बता, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगी मैं तुझे। बता बता वो नागमणि कहाँ है? तू पागल हो गई है क्या? नागमणि मेरे पास नहीं है, नागमणि तेरे पास है। ए बस यामिनी बस कर, ये मर जाएगी तो इसकी लाश नहीं बता पाएगी कि नागमणि कहाँ है। गुरु माँ, ये काली नागिन जो है ना बहुत ही शातिर है, अगर ये मर भी गई तब भी इसकी लाश उड़ जाएगी। एक काम कीजिए, इसे पकड़ कर रखिए और इसे पूछिए कि वो नागमणि कहाँ है। अब नागिन बता बता नागमणि कहाँ है? नागमणि मेरे पास नहीं है। कैसे नहीं है? तू खुद यामिनी के घर जाके नागमणि लेके उड़ी थी। नहीं, मैं गुरुदेव और संग्राम सिंह को मारने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बर्फ की मूरत बना दिया। लेकिन आखिर मैंने गुरुदेव को मार दिया।
अगर मैं वहां थी तो मैं तेरे यहां कैसे आई? कि ये सब तेरी साजिश है। सबसे ज्यादा नागमणि की हाय तुझे थी, तेरे पास ही है नागमणि। चल निकाल नागमणि। ए चुप कर, चुप। अगर नागमणि मेरे पास होती तो मैं यहां क्यों होती काली नागिन? बस अभी पता चल जाएगा कि नागमणि किसके पास है। चल इस खंजर को दो बूंद खून दे। अब मेरे जाप से जिसके खून का गोला फूटेगा नागमणि उसी के पास है। अभी तेरा गोला फूटेगा देखना। तेरा गोला फूटते ही तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। नहीं फूटा, एक भी गोला नहीं फूटा। इसका मतलब नागमणि तुम दोनों में से किसी के पास नहीं है। तो फिर शेषक का रूप लेकर मेरे पास कौन आई थी? अरे रूप तो कोई इच्छाधारी नागिन ही बदल सकती है ना। तो कौन आई थी मेरे घर और वो नागमणि लेकर चली गई? शिवन्या। गुरुमा आप क्या पागल हो गई है? अरे शिवन्या को मैंने खुद अपने इन हाथों से मारा था और उसे दफना दिया था। अगर तुझे दफन करके कोई ये बात बोलता तो मैं मान भी लेती, लेकिन वो एक नागिन है, बच भी सकती है। मैं खुद देखूंगी। यामिनी ने तो यही जगह बताई थी, यही उसकी लाश दफनाई थी। अगर शिवन्या सच में मर चुकी है तो उसकी लाश यही होनी चाहिए।
पापा मुझे शिवन्या को बाहर निकालना होगा, वो ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाएगी। रुक जाओ बेटा, शेषा भी गई नहीं। शिवान्या, क्यों तुम मेरी प्यार की राह में आए, क्यों अपनी जान गवाए? देखो क्या अंजाम हो गया है तुम्हारा। शिवान्या, प्यार ने मार दिया शिवान्या तुम्हें भी और मुझे भी। हम प्यार करके मर गए और मैं प्यार करके जीऊंगी शिवान्या, अपने प्यार के साथ। पापा मुझे जाना ही होगा, शिवान्या को बाहर निकालना होगा। तो शेषा को चकमा देने की योजना हमारी सफल हुई। हाँ बाबा, अच्छा हुआ जो हमें शेषा की योजना के बारे में पहले से ही पता चल गया। अब यामिनी को चकमा देने की बारी है। यामिनी, तुमने जो पाप किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। मुझे अपने आप को ऋतिक से अभी दूर करना होगा, नहीं तो मेरी वजह से ऋतिक की जिंदगी रोज खतरे में होगी। मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं इंसान नहीं हूं, मैं नागिन हूं। नागिन, मैं ये सच्चाई मान चुका हूं कि तुम एक नागिन हो, पर मैं ये कैसे मान लूं ऋतिक कि मैंने तुमसे झूठ बोला? अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हमने और मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाई, तुम्हारा भरोसा तोड़ा मैंने। टूटा हुआ दिल तो फिर भी जुड़ जाता है, पर अगर एक बार किसी का भरोसा तोड़ दो तो वो कभी नहीं जुड़ता। रो मत शिवन्या, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। गलती तो सारी मेरी है, तुमने मेरे परिवार की सच्चाई कई बार मुझे बताने की कोशिश की, मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो।
पहले तुम मेरे पास नहीं आती थी, मैं समझता, पर अब क्यों मुझसे दूर जा रही हो? क्योंकि क्योंकि हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारा मकसद पूरा होने के बाद मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी और तुम अपने रास्ते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो हम जुदा क्यों होंगे? क्योंकि मैं एक नागिन हूँ और तुम एक इंसान। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। एक होने की कोशिश भी की तो हम दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी, और मेरी सारी शक्तियां भी, और मैं अपनी शक्तियां नहीं खो सकती, अपने लिए नहीं, शेषा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। शेषा तुम्हें हासिल करना चाहती है किसी भी कीमत पर, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर वो तो तुम्हारी बहन है। हाँ, बहन तो है, और नागमणि और तुम्हारे प्यार के जुनून में सही और गलत का फर्क भूल गई है। मैंने जिससे भी प्यार किया उन्हें खो दिया, माँ बाबा गुरुदेव, और अब तुम। मैं तुम्हें नहीं खो सकती ऋतिक, तुम्हें मुझे भूलना होगा। मेरे जाने का वक्त हो गया है। शिवन्या, शिवन्या, शिवन्या,